वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान देवघर पहुंचे, जहां पर झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। चिराग पासवान ने देवघर में कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन का दबाव लगातार बना हुआ था कि इन दिनों संगठन का विस्तार हुआ है, संगठन मजबूत हुआ है। इसके साथ ही पासवान ये भी कह रहे हैं कि अब झारखंड विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और शाम तक इसकी सूची भी जारी कर दी जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने आज ये फैसला लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी। लगभग 50 सीटों पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसकी पहली सूची आज शाम तक साझा कर दी जाएगी और अब लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है।